दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे गोल साफा स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ कैसे बांधें। कम समय में गोल साफा सीखने के लिए आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, स्किप नहीं करें बिल्कुल भी। आप गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप गोल साफा सीख जाओगे, किसी भी साफे को ले, गोल साफे को। यदि आपके पास ये व्यवस्था है पानी की, अच्छी बात है, वरना आप पानी से वैसे भी इसमें छींटे दें और एक बार इसकी कलप ऐसे उतार लें। पानी लगने से क्या है, इस साफे की खासियत है कि ये आराम से आसानी के साथ बंधे और बंधने के बाद अच्छा पकड़ में आ जाएगा सब। आज हम आपको इतने आसानी से सिखाएंगे गोल साफा कि आप बड़े आसानी के साथ घर बैठे साफा सीख जाओगे और आप भी कहोगे वाह क्या बात है। हमारा उद्देश्य केवल साफा सिखाना है, व्यूअर्स सब्सक्राइबर ये बढ़ाना नहीं। हम चाहते हैं कि पूरी राजस्थानी संस्कृति पूरे राजस्थान में और राजस्थान के साथ साथ जो भी बाहर इस देश में रह रहे हैं राजस्थानी भाई, या फिर कहीं और जहाँ भी विदेशों में भी यदि रह रहे हैं तो सब तक पहुँचे। देखिए, सबसे पहले साफा लिया और बड़ा आसान तरीका है ये, अपन को लेफ्ट हैंड, इसी में अपन छुरंगेदार साफे को पकड़ते हैं तो इसी में अपन इसको पकड़ते हैं। इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ऐसे ले करके लेफ्ट हैंड को इधर दबा दें या कान तक, और ये लो साहब, ये दब गया बड़े आसानी के साथ। धीरे से इसे ऐसे ले लें यूँ, ये लो, तीन चार बार तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। वही तरीका, चार बार उसमें चार पट्टियाँ लेते हैं इसमें भी, और आसान आसान से इसमें सिखाऊंगा आपको पट्टियाँ कैसे बनाएंगे। ये देखो, दो काउंट कर लेना आप, ऐसे ऐसे करते भी रहें जिससे क्या है साफा ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा। ये तीन साफा, खराब लगे अजीब लगे कोई सुनी, लास्ट में बनता है साफा, आप तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। और ये चार, अब देखिए, अब अपन इसको थोड़ा 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 ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखिए, एक ये पट्टी ऐसी बन जाएगी, ये एक तरीका हो गया आपके पास अल्टीमेट कि आपको यहाँ से दूसरी पट्टी लेनी है, फिर यहाँ ये एक शेप बन जाएगी, इसको थोड़ा सा इधर घुमाएंगे फिर अगले शेप से लेना है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये आप इसमें पट्टी कैसे बनाएं। नए कई जो अपने नए सीखते हैं, नए भाई सीखते हैं, उनसे पट्टियाँ नहीं बन पाती हैं, तो उनका तरीका ये है, ये देखो, इसे ऐसे किया यूँ दो बार, उसके बाद यहाँ से फोल्ड करें, ये लो एक बार ऐसे फोल्ड करें, हल्का सा चुटकी की सहायता से, चोटी की सहायता से इसे ऐसे ऊपर से नीचे से दबा दें, और यूँ हाथ को लेके आ रहे हैं अपन। अब देखिए, यूँ लेकर के चंद्राकार स्थिति में ऊपर यूँ ले जाएं, ये देखो यूँ बनाते हुए, ये लो साहब। फिर आपका देखिए ये आगे एक हिस्सा कि आपको भाई साफा यहाँ से लेना है, और मेरा सभी साथियों से निवेदन है जो भी मेरी वीडियो देखते हैं एक बार ज़रूर बताएं भाई आप राजस्थान से बाहर बाहर कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर बताएं। जो भी व्यूवर्स देखें उनसे निवेदन है मेरे भाइयों कि जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताएं आप राजस्थान से बाहर कहाँ कहाँ से हैं। गुजरात की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, गुजरात वाले ज़्यादा भाई देखते हैं, और गुजरात वालों को संतोषजनक मैं जवाब भी देता हूँ, ये देखो ऐसे लेना है। आप और कहीं से भी देखते हैं, पाकिस्तानी राजपूत भाई भी वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान के 4% मेरे व्यूवर्स हैं, यूएसए से देखते हैं, कनाडा से देखते हैं, तो आपसे निवेदन है आप बताएं ज़रूर कि कहाँ कहाँ से आप हो, जिससे हमें पता चले कि आप सबका प्यार मुझे इतने दूर से भी मिल रहा है। ये देखिए, अच्छा और तरीका बता देता हूँ पानी लगाने का, जहाँ भी आप रनिंग में भी आप पानी लगा सकते हो, ऐसे नहीं है तो आप हाथ से पानी लगा सकते हो, यहाँ इसमें लगा सकते हो जो अपन बांध रहे हैं। अंत में तो इसमें लगाते ही लगाते हैं गोल साफा, जिससे क्या टाइट बना रहेगा, खुलेगा नहीं बिल्कुल भी आपका। पट्टियाँ बनाने का मैंने बताया था ऐसे, एक तो स्वतः ही बन जाती है, नहीं बने तो पहले तो यूँ दो करना, फिर दो कैसे इस चार को करना यूँ, ये देखो साहब, ये देखो इतना करने के बाद यूवी आकार में ऐसे ले लेना है। इसके बाद ये ध्यान रहे अपनी ये लास्ट पट्टी है, और लास्ट पट्टी को अपन बड़े आसानी के साथ बराजो सा ऐसे लेंगे, वी आकार में लेना आपको, नीचे से ऐसे ऊपर की ओर,
अंत में मेरे कैमरामैन से निवेदन है कि आप दिखाएं इसे कैसे लेते हैं। ये देखिए, जहाँ से आपने लास्ट पट्टी ली है उससे पहले से कहीं भी ऐसे यूँ कर लें, यूँ, और एक उंगली के माध्यम से इस साफे को आप इसमें ऐसे अटैच कर दें और यूँ पूरा निकाल दें। ये देखो, ये जो हिस्सा बचा है आपका, इस बचे हुए हिस्से को अपन इसमें अभी ढक देंगे निकालने के बाद। और पानी का मैं बार बार इसमें उपयोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोल साफा जितना पानी लगा आप इसमें लगाओगे ना उतना ये टाइट पड़ जाएगा आगे बंधने के बाद। आपका 6 महीने साल भर तक ये साफा नहीं खुले, ये इसकी खासियत होती है। सुरंगेदार साफा आपका 2 या 4 बार में खुल जाए, लेकिन ये वाला साफा आपका बिल्कुल नहीं खुलता है। सब ये देखो, ऐसे अपन ने इसको पानी से ऐसे कर लिया, बिल्कुल छोटा डब्बी जैसा साफा, जैसा आपका सर वैसा साफा बन जाएगा। और इसे यूँ अपन ने निकाल लिया, और निकालने के बाद ये देखो, ये बड़े आसानी के साथ ऐसे आपको इसको कवर करना है। ये लो साहब, ये कवर हो गया। और इसका पहनने का तरीका आप देखिए, यूँ आगे से पीछे की ओर ऐसे, ये देखो, मैं विक्रम सिंह चौहान, श्री ओम वना साफा, शेरवानी हाउस, अलवर।